गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग काम पे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं नहा धो के बना रही हूँ अभी पास्ता। आज खाना नहीं बनाई हूँ, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था और बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और ये भी अभी नहा धो के आ गए हैं। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। और इधर मेरा पास्ता बन गया है, इधर ये पास्ता बन के तैयार हो गया है। बस इसमें प्याज डालना है। आता नहीं है, मैं बना चुकी हूँ। और इधर मेरा केक देखिए रखा हुआ है, अभी एनिवर्सरी वाला। खाई नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा था। डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं निकाले हैं इसको, तो जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। हो गया, बस बंद कर दीजिए, प्याज को डाल दीजिए और धनिया डालेंगे तो डाल लीजिए। मेरे को धनिया डालने में बहुत आलस लगता है कसम से। उसको निकालो, धो काटो, डालो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता धनिया डालने के लिए। रूम तो ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, अभी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद समेटूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी। 9 से ज़्यादा हो गया ना, 10 बजे मेरे को पहुँचना जरूरी रहता है। तैयार हो गई हूँ, बस बाल बनाना बाकी है और फिर निकलना है। तेरे बाल को दे बना देता हूँ। बना दीजिए ना। मैं एक ही बार बनाऊंगा, हमेशा के लिए बांध दूंगा उसको। और इनको बिना धनिया के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी सब्जी बने कि कुछ भी बने, धनिया जरूरी है। मेरे को धनिया काट के डालने में बहुत आलस है, पता है। मैं पूरा सब्जी बना दूंगी, सब्जी काट लूंगी, बना लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन मैं धनिया काट के डालने में टाइम मेरे को बड़ा आलस आता है। इसका खुशबू मेरे को बहुत अच्छा लगता है, धनिया पत्ती का, समझ गए। सो गाइस, चलिए बने रहिए आप सब ब्लॉग पे। अभी निकलेंगे हम लोग, खा पी लेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। टाइम भी हो जा रहा है लेट, और डेली जल्दी जल्दी के चक्कर में बना ही नहीं पाती हूँ वीडियो। पता नहीं, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, बट फिर भी टाइम हो ही जाता है। सुबह एक तो रात को सोते सोते 12-1 डेली बजता है, फिर सुबह 6-7 बजे उठो, फिर काम वाम करो, झाड़ो, बर्तन पोछा, नहा दो, कपड़ा धो, तब टाइम मिलता ही नहीं है। अब देखते हैं जिस दिन टाइम मिलेगा। आज खाना नहीं बनाई हूँ इसलिए थोड़ा टाइम मिला, तो सोची ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। जल्दी डालिए धनिया, जल्दी आइए, खाएंगे। ओके मैम, ओके। एक तेरा ही ख्याल सोने नहीं देता है। डाल ले। प्याज को भी डाल दीजिए। गैस को बंद कर दीजिए ना, फालतू गैस वेस्ट कर रहे हैं। धनिया पत्ती को होने दो ना। बन गया हमारा पास्ता, और तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहे हैं। बस ना, बंद करिए। प्याज डाल दीजिए। प्याज दे 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 दे। एक काम करेंगे नहीं, 10 ठी काम बढ़ाएंगे। देखिए पूरा गंदा हो गया, अब उसको पोछा लगाना पड़ेगा। होता है मेरा दिमाग खराब। एक ठी काम नहीं करते हैं, 10 ठी काम और बढ़ा देंगे, उसमें भी पावर दिखाएंगे। तो भाई चलिए खा पे लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पता नहीं जाऊंगी, फिर देखती हूँ, बनाऊंगी कुछ वीडियो आज। तो बने रहिए आप सब ब्लॉग पे। एक केक बचा हुआ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं नहीं खाई थी। ये अपना सारा केक को खा लिए हैं ना, इतना मेरे लिए रख दिए हैं बस। तो चलिए, आज मेरे को ठीक लग रहा है, मैं खा लेती हूँ टेस्टी केक। स्नैक टाइम बन गया, क्या स्नैक टाइम के एडवर्टाइज कर रहे हैं? पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं, स्नैक टाइम का तो खाया नहीं हूँ। किसान का अच्छा लगता है स्नैक टाइम का, इस बार पहली बार लाई हूँ, पता नहीं कैसे लगेगा। समझ लेगा, सारा काम को मैं ही करूँ है ना। क्या हो जाएगा, कर देंगे तो। तुम्हें रानी बनाने के लिए तो लेके आया हूँ, आराम करो ना।
इसी में डाल दूं क्या इसको? सॉस डाला हुआ है और थोड़ा डाल दीजिए ऊपर से, ऊपर से डालते हैं। हो गया? बस 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 डाली हूँ 3 चम्मच, 3.5 चम्मच डाली हूँ। अब खा लेते हैं। उधर मेरा नाइट्री गिर गया है मेरे। भूख लग रहा है बहुत। बन के कितना आप गिरा रहे हैं चिमटी में? आपको पकड़ने नहीं आता? मत पकड़िए ना, कपड़ा में पकड़िए, छोड़िए मैं निकाल रही हूँ। सबको गिरा के आज खत्म कर देंगे। तुम बड़ी हो, मैं बड़ा हूँ तो भाई ये सब तौर तरीके दुनिया भर का सबसे पहले कौन सीखा? मैं। इसका मतलब गिराएंगे? मेरा केक है, आप अपना केक खा चुके हैं। इतना बड़ा को खा लोगी रे? आपके उतना बड़ा को खा लिया, मैं इतना बड़ा को नहीं खाऊंगी। तबीयत खराब हो जाएगा तो अभी बस थोड़ी खाऊंगी, शाम को भी खाऊंगी। गिरा रहे हैं, इतना गिरा रहे हैं आज, कसम से आज खा हो गया आपको। जल्दी आइए खाएंगे। क्लास लेने के लिए इधर बच्चे लोग बैठे हुए हैं, अभी मैं जोर से बात नहीं कर रही, क्लास चल रही है। गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ नाइट ड्यूटी करके, इवनिंग ड्यूटी करके, नाइट नहीं, 9:30 आई हूँ तो नाइट ही है ना। और मैं पी रही हूँ स्प्राइट, ये मेरे लिए छोटा सा स्प्राइट ला दिए थे, इसमें आधा बचा है। और ये बनाने आलू रेड रेड दिखते हैं, देखिए भिंडी को कितना अच्छे से काटे हैं, मस्त पतला पतला भिंडी आलू की सब्जी बना रहे हैं। भुंजिया हाथ पैर नहीं धोए हैं बेचारे, मैं धो ली हूँ हाथ पैर, और मैं स्प्राइट पी रही हूँ। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा थके हैं, जाएंगे आराम करेंगे। और अभी मेरे इवनिंग में हो गया है ड्यूटी 2 से 9:30 बजे तक, 7.5 घंटा। तो मैं आके थक गई रहती हूँ, इसलिए खाना पीना ये बना देते हैं बेचारे। मेरे अच्छे पति हैं, है पति देव, अच्छे पति हैं आप, क्या अच्छे पति हैं हाँ। सो गाइस चलिए अभी खाना वाना पी के खा के पी के आराम करेंगे। अभी मैं देखूँगी थोड़ा सा टीवी, क्योंकि मेरा नेट बहुत बचा हुआ है तो नेट ख़त्म करने का। सो गाइस चलिए मिलते हैं फिर कल, कल से कोशिश करूँगी डेली कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ अच्छे से। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।